नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि विशेष टॉपिक वो है एमआई का MI TV 4। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो सात खूबियां है कि MI TV में ही आता है और दूसरे में आता नहीं है, तो वो खूबियां क्या है देखते हैं। वो देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा डिग्गी टीवी को आप डिग्गी टेक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपको दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। कहते हुए मैं राजशेखर, आप देख रहे हैं डिग्गी टेक चैनल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, MI TV 4 का स्मार्ट टीवी का पहला एक अच्छा सा फीचर है कि इसका रेट। आप कोई भी एक ब्रांडेड एक टीवी ले लीजिए, कोई भी 4K टीवी विद स्मार्ट 39,999 में दे नहीं सकता, मगर ये MI TV है कि आपको दे रहा है 39,999 में। ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हुआ है, USA में लॉन्च हुआ था, चेन्नई में लॉन्च हुआ था, अभी इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस एक अच्छा से एक फीचर कह सकते हैं। इसका दूसरा फीचर है कि इसका थिननेस कह सकते हैं। इसका टीवी का अपर बॉडी का थिननेस है 4.99 mm, और नीचे आता है तो वे प्रोसेसर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या साउंड स्पीकर के लिए सपोर्ट करने के लिए ये लगता है 39 mm तक। ये आता है 55 इंच का 4K LED टीवी, HDR सपोर्ट करता है, HDR 10 को सपोर्ट करता है, और इसका बेजललेस या फ्रेमलेस टेक्नोलॉजी, सैमसंग का बेजललेस टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ, उसका जो फ्रेम है ये बहुत ही बढ़िया है। आपको लगता नहीं कि कहीं भी फ्रेम है, मगर थोड़ा सा फ्रेम है और एडजस्ट तलक। ये एक दूसरा इसका एक फीचर। तीसरा फीचर के बारे में बात किए तो ये है एक एंड्रॉइड का स्मार्ट टीवी। इसके अंदर मैशमेलो मिलता है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ खुद का एक यूजर इंटरफेस है। वो यूजर इंटरफेस का नाम है पैचवाल। या मैंने खुद के लिए खुद का एक यूजर इंटरफेस निकला है, वो है पैचवाल। इसके अंदर आप एंडलेस कंटेंट्स दे सकते हैं, कितना भी आप नीचे जाते जाएंगे कंटेंट्स देखते देखते आपको 5 लाख तक आपको कंटेंट मिलेंगे। आपको देखने के लिए ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक लगेगा। ये UI एक कंटेंट बेस्ड है, नॉट एन एप्लीकेशन बेस्ड। उसका मतलब है कि जब आप एक मूवी सर्च करेंगे, वो मूवी आपको ऐप्स के नहीं दिखाएगा, पहले वो मूवी को दिखाएगा जिस ऐप में है या हार्डवेयर में है या टीवी में है या सेटअप बॉक्स में चल रहा है, उसे देख के आपको वो पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। चौथा फीचर इसका एक है कि इसके अंदर मिलता है एम लॉजिक का एक प्रोसेसर, और उसके साथ आपको मिलता है 2GB का रैम DDR4 का और 8GB का इंटरनल मेमोरी। 8GB का इंटरनल मेमोरी आपको सपोर्ट करता है कि बाहर से कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर जो भी है नहीं, जैसे कि VLC प्लेयर हुआ या प्ले स्टोर हुआ, वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर अमेजोन दिया गया नहीं है, अमेजोन या दूसरे वीडियो प्लेयर्स एप्लीकेशंस, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर 8GB का इंटरनल मेमोरी दिया है, उसके साथ आप इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड सोनी लिव जी और हंगामा जैसे एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो कंटेंट आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। इस टीवी का फिफ्थ फीचर ऐसा है कि ये सभी फाइल फॉर्मेट को आपको सपोर्ट करता है, जैसे भी MP4 हुआ, MP4 से भी पहले का वो WMA WME जो भी फाइल फॉर्मेट होता है उसे सपोर्ट करता है। सीमलेसली से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, जो भी वो पिक्चर क्वालिटी कम हो या ज्यादा हो वो एडजस्ट कर लेता है उसके हिसाब से UHD की जैसे, और आपके सामने प्रोड्यूस करता है कि वन ऑफ द अल्टीमेट HDR 4K TV रेजोल्यूशन। दोस्तों इसका अगला फीचर है कि इसका रिमोट कंट्रोल। ये रिमोट कंट्रोल एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा झंझट नहीं है या ज्यादा बटन्स नहीं है, जस्ट 11 बटन्स है इसके अंदर। तो इसे यूज कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स को प्ले कर सकते हैं, मूवी प्ले कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं इससे। लास्ट फीचर इसका यह है कि इसका कनेक्टिविटी, जैसे कि इसके अंदर आता है कि 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स, उसके साथ आपको एनालॉग जैसे 3.mm जैक भी यूज कर सकते हैं ऑडियो आउटपुट इनपुट के लिए, और उसके साथ इसके अंदर मिलता है कि एथरनेट आपको आपका इंटरनेट केबल डायरेक्टली आपको टीवी को लगा सकते हैं। उसके छोड़ के और क्या है इसके अंदर, एक खासियत है इसका इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ। ज्यादातर टीवी में ब्लूटूथ मिलता नहीं, मगर इसके अंदर अच्छा खासियत का 4.0 का एक ब्लूटूथ है। आपका रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हैं इससे, या आउटसाइड स्पीकर्स जो ब्लूटूथ स्पीकर्स है उसे कनेक्ट करके आप टीवी का आउटपुट ऑडियो आउटपुट यहाँ पे मजा ले सकते हैं। और एक खासियत है कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूज करके रिमोट ऐप डाल लेके आपका मोबाइल में आप सीमलेसली आपका रिमोट
यूज कर सकते हैं टीवी कनेक्ट करके, और वहाँ पे मोबाइल में गेम्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये थे एक साथ गिने चुने फीचर्स, अच्छे फीचर्स। आपको लग सकता है कि ये फीचर्स थोड़ा हटके है और आप ये मूवी ये टीवी को खरीदने के लिए बहुत ही फीचर्स आपको लाभदायक है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो MI टीवी स्मार्ट टीवी 4 पर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाइक होगा, लाइक हो तो लाइक बटन दबाइए और मैं आपके दोस्तों को शेयर करते हुए बोलते हुए मैं राजशेखर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जब तक नमस्कार।